गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया और बहुत ही अच्छा आज मौसम हुआ है, एकदम बढ़िया वाला। और अनूप जा रहा है स्कूल, तो उसके लिए फटाफट से हमने सब्जी काट लिया है और बनाएंगे सब्जी। इधर तो आ गई है डॉली, भिंडी में छौंका लगा देगी और उसका टिफिन बना के रेडी कर देगी, क्योंकि अनूप सब्जी ले आता है, उसका फ्रेंड रोटी लाता है। तो हमने सोचा कि इसका टिफिन में सब्जी बना देते हैं और बनाएंगे खाने में, देखते हैं क्या बनाते हैं। तो पहले ये इसका टिफिन देंगे, बैग पैक करेंगे और स्कूल निकल जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे नाश्ता वास्ता बनाएंगे, नाश्ता करेंगे। तो इधर तुरा रहा है नेनुआ, जो कि बंदर आके खा ले रहे हैं सब। तो इधर डॉली पकड़ ली नेनुआ, देखा जी और जी क्या हाल है और है। तो इधर कितना फ्रेश फ्रेश नेनुआ तोड़ा गया है तुरंत पेड़ में से ताज़ा, और हो सकता है आज इसी की सब्जी बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है घर का नेनुआ, मार्केट में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और इधर बन रही है अपनी भिंडी की सब्जी, जो कि अनूप टिफिन में ले जाने वाला है। भिंडी की सब्जी जो कि अनूप टिफिन में ले जाने वाला है, ऑलमोस्ट ये भी बन के रेडी हो चुका है। इधर अनूप कर रहा अपना बैग पैक, और सारा बैग पैक को सब कुछ लिख के रेडी कर लिया। इधर है इसका बोर्ड फार्म भरा है राज, जिसे देखो ये लिखा है आधार एड्रेस, एड्रेस लिखा ना, तो एड्रेस में एड्रेस डालना चाहिए। तो तुम क्या लिखी हो, ईमेल में एड्रेस डाल दी हो, मतलब बताइए दोस्तों अब क्या होगा, मास्टर तो इसको मार के भारता बना देगा। क्यों जी अनूप, नहीं कह देना ना कि दे दीजिए सर जी, या मेरे चाचा लड़का है उसका भी देना है, इसे बहाना कर देना, मिल जाएगा ठीक है। और इधर बैग पैक कर रहा जा रहा है स्कूल आज, क्या रोज अब डेली जा रहा है पढ़ने, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया। कब से है जी एग्जाम, 29 तारीख को एग्जाम है, इसी 29 तारीख को सोमवार को, तो जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। इधर डॉली क्या कर रही है, खुरमा जो बनाए थे, अब देखिए इतना तेजी से खुरमा खाए हैं, सब तक भर के था यहाँ तक, और सारा खुरमा ख़त्म हो गया थोड़ा बचा, क्योंकि हमारे घर पे इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्यों जी तुम खा रही हो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जा रही है पानी पीने, और उसके बाद से खाना बनेगा, क्या बनेगा, नेनुआ की सब्जी, काफ़ी ज़्यादा नेनुआ अब निकला है, देखते हैं नेनुआ की सब्जी बनता है या क्या बनता है, जो भी बनेगा दिखाएंगे। और अनूप के टिफिन के लिए तो सब्जी तैयार है, रख दो उसके टिफिन में, और इधर उसको लेट हो रहा है, जल्दी रखो वरना उसके दोस्त आ जाएंगे सब, फ़ोन कर देंगे सब, और उसका तो यही है कि उसके दोस्त आएंगे सब तब जाएगा। कितने लोग का सब्जी रखा है अनूप, इधर अनूप का टिफिन हो गया पैक, और रोटी उसका फ्रेंड लाता है, सब्जी ये ले जाता है, कोई बात नहीं है, मिल बांट के खाना चाहिए। उसका बैग भी पैक कर दो और तुरंत भेज दो उसको पढ़ने, और आएगा अभी वो 4 बजे। इधर अनूप जा रहा है स्कूल, तो अनूप चला गया है स्कूल, और इधर चाय बन गया है, इधर पराठे बना रही है डॉली, पराठे नहीं सादा रोटी बनाएगी, ये जीरा अजवाइन वाला, अजवाइन नमक वाला है, थोड़ा सा मोइन डाल के गूंथ लिए थे, और उसी का सिंपल रोटी बनाएगी ऑयल वाला, चाय से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और अनूप ने भी यही खा के चला गया है, तो अभी बचा है आटा, तो हमने बोला कि बना लो, हम लोग भी यही खा लेंगे, क्योंकि अभी तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और बना भी नहीं है, सुबह सुबह भूख भी नहीं रहती है, तो हल्का सा नाश्ता हो जाएगा। और इधर मम्मी कोहड़ा होता है कद्दू, उसी का साग है, खोट के ला दी है, और नेनुआ डाल के बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा लगता है ये साग खाने में। फ्रेश नेनुआ निकला है और फ्रेश साग है, तो दोनों मिक्स करके बनेगा, इसकी रेसिपी दे चुके हैं तो शॉर्टकट में दिखाएंगे। थोड़ा क्रिस्पी बनाना, स्लो वाच करके बनाना, तब क्रिस्पी बनेंगे, क्रिस्पी वाले अच्छे लगते हैं खाने में। कितना टाइम लगेगा डॉली बनाने में, 10 मिनट बने लगेंगे अभी पराठे बनाने में, तो तब मम्मी साग साफ कर लेगी और सब्जी काट लेगी। सुबह में धूप हुई थी और मौसम फिर से लग गया है बादल, जैसे लग रहा है बारिश होगा,
और लौरानू के स्कूल में प्रेयर होना स्टार्ट हो गया क्योंकि अब घंटी नहीं बज रही है, और इसका स्कूल थोड़ा पास में इसलिए आवाज़ सुनाई देता है जब प्रेयर होता है या फिर घंटी लगती है। तो पराठे बना लेती है, फिर मिलते हैं। पराठे चाय लग गए हैं, इधर डॉली बैठ गई है, पापा को पीछे दे दिए, खा रहे हैं क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आए हैं सब। और अनूप चला गया स्कूल जैसा कि आप लोग जा ही रहे हैं, और मैं भी चल रही हूँ, चाय पीती हूँ। इधर अम्मी, इधर डॉली, खुद के हाथ से बनाई हुई पराठा कैसे लग रहा है? अपने अपना बड़ा ये पनीर मुँह से। तो दोस्तों ये लोग चाय पी रहे हैं, हम भी चलते चाय पीते हैं, मिलते थोड़ी देर में। One hour later. तो इधर मम्मी जला रही है चूल्हा क्योंकि बनने वाला है साग, और इधर निनुआ और कद्दू का जो साग था उसको छील के धुल के कटा के रखा गया है, कुछ पड़ा नहीं है। और इसमें पड़ेंगे मसाले जिसमें है सरसों, लहसुन, मिर्ची, बस इतना ही मसाला जाएगा, नमक बाद में जाएगा। और इधर साग पानी छोड़ दिए, इसे मसाले पड़ गए हैं, हल्दी, रवि इसमें जाएगा नमक टेस्ट के अनुसार, और साग पकेगा कम से कम आधा घंटा, उसको इसमें छौंक लगेगा। इधर रखा गया चावल बनने के लिए, और इधर साग बन के रेडी हो गया, इसमें मेथी का तड़का लगेगा। और इधर साग में छौंका लग गया, और इतनी ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो साग भी बन गया, चावल भी बन गया है, सब्जी भी है भिंडी का। और इधर सुबह में बहुत ही तेज बादल लगे थे, इस टाइम देखिए अभी धूप था, अभी तुरंत बादल गल छाया हो गया। और अनूप के स्कूल में प्रेयर हो रहा है, इंट्रोल वाला लग रहा है, खाना खाने छुट्टी हो गई है, और हम लोग का भी खाना बन के रेडी हो गया है। और अभी अनूप रहता तो साथ में खाते, पर नहीं खाएंगे। इधर डॉली चला रही है मम्मी का मोबाइल, क्या देख रही हो? कपड़ा। तो इधर कपड़ा देख रही है कौन सा पसंद करे खरीदने के लिए, क्योंकि ऊपर ताके बोलो। हाँ, क्या देख रही हो? कपड़ा। किसके लिए? अपने लिए। क्या कपड़ा देख रही हो, सूट की क्या देख रही हो? कुर्ती। तुमको क्या पसंद है पहनना, कुर्ती या प्लाजो टी शर्ट? हम लोग जबरदस्ती करते हैं कुर्ती पहनने के लिए? नहीं, हम अपने मर्जी से पहनते हैं। तेज बोलो। अपने मर्जी से पहनते हैं, हमको अच्छा लगता है। और टी शर्ट प्लाजो क्यों नहीं पहनती हो? हमको नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा था कि डॉली क्यों सूट पहनती है, आप प्लाजो टी शर्ट, तो मैं क्लियर कर दी, मुंह पे पूछवा दी, और जिसको जो पसंद रहता है वो लोग पहनते हैं। क्यों जी डॉली? हाँ। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, जिसको जो मन करेगा वो पहनेगा, डॉली को जो पसंद है वो पहनती है, क्यों जबरदस्ती किया जाए? क्यों, तुमको दिला जाए पहनोगी? हाँ, अभी प्लाजो हमको लग रहा है मम्मी गई थी दिल्ली तो 6-7 प्लाजो लाई है, वैसे को ऐसे ही नया रखा गया है, तो नहीं पहनती है, और हम हमेशा पहन के सधाएंगे। तो जब पसंद आया को कपड़ा कि नहीं? हाँ आया है। कौन कौन सा? तो बाद में ऑर्डर लगेगा, जिसका कपड़ा ऑर्डर लगाना है, 2-3 सेट पसंद की है, ऑर्डर लगाएंगे, आएगा तो आप लोग को जरूर दिखाएंगे इसकी पसंद कैसी है और क्या क्या पसंद करवाइए। आप लोग बोलते हैं डॉली को बुलवाइए, एक्सपीरियंस दीजिए, आप चले जाएंगे तो ब्लॉगिंग कौन करेगा? तो अनूप करेगा, और जाहिर सी बात है ट्रेनिंग तो दे ही रहा है, ट्रेंड हो जाए तो बढ़िया है। क्यों जी डाली? हाँ। थोड़ा बोलो, बोला करो वीडियो में। हाँ, बोलते हैं। तो इधर खाना बन गया है और खाना लग गया है, और इधर डॉली बैठ गई है, इधर सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने, क्योंकि आज बना है खाने में साग, भिंडी सब्जी, चावल, अचार, और कद्दू का साग बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, तो इधर सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। बताओ जी डाली, खा के कैसा खाना लग रहा है? अनूप नहीं है, रिएक्शन डाली देगी, क्योंकि अनूप रहता है तो उसका रिएक्शन कैप्चर करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। कैसा हुआ डाली? तो पापा खा रहे हैं, इधर मम्मी खा रही है, इधर डॉली खा रही है, हम भी चलते हैं खाना खाते हैं, और मिलता है इस एक नए ब्लॉग में, तो मिलते हैं इस एक नए ब्लॉग में, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।